हाय, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाती हूँ, फहद जो है चाइनीज़ पुलाव बना रहे हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ ये सब्जियाँ जो इसमें डालकर चढ़ाकर चूल्हे पे, ये देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको अभी सब कुछ दिखाती हूँ। आज है संडे का दिन और तकरीबन टाइम पता नहीं क्या हुआ है, अभी आपको दिखाते हैं। अभी मैं जाती हूँ रूम में, देखते हैं बच्चे जो है क्या कर रहे हैं। ये देखें, झूला भी इसमें लगा दिया और मुझे बहुत परेशानी होती है आने जाने में, लेकिन ये जगह भी अच्छी है। ये देखिए, कमरा पूरा फैला हुआ है क्योंकि ईजान जो है वो मोबाइल में लगे हुए हैं, इनको मोबाइल ही मोबाइल चाहिए। और यहाँ देखें क्या काम होता है, क्या हो रहा है देखते। ये जो है मैंने कपड़े धो के डाले, यहाँ जो है सुखाने की जगह कम थी तो मैंने फहद को बोला यहाँ पे एक और जो है रस्सी बांध दे ताकि मुझे आसानी हो जाए कपड़े सुखाने में। तो ये देखें, फहद जो है कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ दो रस्सी बांध दी जाए तो कपड़े सुखा दिए जाए। छत पे जो है जगह कम थी और वैसे भी बारिश का मौसम था, सारे कपड़े जो धो के सुखाते तो वापस ख़राब हो जाते, इसी वजह से मैंने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने कपड़े सारे नीचे डाल दिए। और यहाँ पे मैं आपको और दिखाती हूँ, मैंने सनान के कपड़े धोए, सनान के कपड़े धोने के बाद मैंने इसमें डाल दिए, यहाँ लगा दिए ताकि बच्चे के कपड़े अंदर ही सूख जाएँ। और ये छोटे वो छोटे कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं सनान के मुझे। और वापस चलते हैं, ये इसका कवर, झूले का कवर भी मैंने धोकर डाला है, अभी सूख जाएगा तो फिर मैं वापस इस पे लगाऊंगी। अब देखते हैं रूम में क्या है। ये देखें, शाल ने पूरा फैलावा किया है अपने इसका बस्ते का। मैंने इनको कहा था कि बस्ते में से सारी चीज़ें निकालो, सेट करो, क्योंकि कल जो स्कूल वापस से ओपन हो रहे हैं तो ये स्कूल जाएंगे। और ये मैंने सनान के कपड़े बाकी के यहाँ पर फैला दिए ताकि जल्दी से सूख जाएँ। आपको दिखाते हैं बाहर का मंजर। बाहर जो है टेंट लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ और किस वजह से लगा हुआ है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस तरफ आई नहीं थी तो मुझे आइडिया नहीं है। और यहाँ पे क्या पका, किसने क्या खाया और यह पकेगा ये भी मुझे नहीं पता। अब ये जो है बराबर वालों की कार खड़ी है हमारे गेट के सामने और ये हमारी हाई रुपये। और आपको दिखाएं बताएं कि हमारे घर के आगे जो है कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि स्वेपर जो है वो आ नहीं रहे, इसी वजह से सारी गली का जो डस्ट है, सारे मैदान का जो डस्ट है हमारे गेट के आगे आके जमा हो जाता है। अब हम दूसरा स्वेपर लगाएंगे तो फिर ये कचरा उठाएंगे यहाँ से, तो अभी फ़िलहाल के लिए यही है ठीक है। और ये जो है बच्चा, ये टेंट के अंदर गया है, पता नहीं क्यों गया है, क्या लेने गया है ये भी मुझे नहीं पता, वरना मैं आपको ज़रूर बताती। तो चलते हैं अब वापस अपने घर के अंदर की तरफ। और ये मैंने जो है विंडो बंद कर दी है क्योंकि बाहर से जो है मच्छर वगैरह बहुत आते हैं, तो ये बंद करके वापस चलते हैं और देखते हैं सन्नान हमारे जो है क्या कर रहे हैं। सन्नान को मैंने नहीं देखा और अभी आपको दिखाते हैं टाइम। अभी जो है शाम के बज रहे हैं 5:30, शाम के 5:30 बजे। और ये झूला है और आपको दिखाते हैं क्या दिखाते हैं सन्नान। तो ये हमारे चुन्नी मुन्नू से बेहते प्यारे से मुन्ने सन्नान, और ये आपको देख के अभी हाय करेंगे, ये बहुत खुश होते हैं। कौन है? तो ये बहुत खुश होते हैं देखकर मोबाइल के, शायद इसमें भी एक मुन्ना है जो मुझे देख रहा है। ये यही सोचते हैं कि सामने जैसे कोई मुन्ना है, इसी तरह ही देख के खुश होते हैं। और ये भी हाथ पाँव चला के देखने की कोशिश करेंगे कि मैं हिल रहा हूँ या नहीं। तो इन्होंने अभी आपको हाय बोला, आप भी कमेंट में हाय बोलें। तो अब जो है मैं जाकर देखती हूँ किचन में जो क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले देखती हूँ तार बंधा। जी हाँ, तो यहाँ पे रस्सी जो है बांध दी गई है, कपड़े सुखा दिए मैंने, ये जो बचे हुए थे सारे कपड़े मैंने यहाँ पे सुखा दिए। फहद ने दो तार बांधे थे दोबारा, तो फिर यहाँ पर हमने अपना तार बांध के कपड़े बाकी के जो है वो सुखा दिए हैं। और इसके बाद हम विज़िट करेंगे किचन का कि किचन में जो है चाइनीज़ पुलाव कहाँ तक पहुँचा हमारा। अभी बाकी थोड़े बहुत कपड़े हैं वो मैं अभी धोकर डाल दूँगी और बाकी के कपड़े धोएंगे हम और बाद में। तो यहाँ देखें हम आए किचन में, चावल बना। चावल है? अरे वाह, बन गया। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चूल्हा बन नहीं गया? वाह, कैसे बनाए? रेसिपी शेयर करो अपने व्यूअर्स के साथ। रेसिपी बताने के लिए? क्यों भाई, ऐसे क्यों? सीक्रेट रेसिपी, हम तो हर कुछ बताते हैं बनाते हैं। सीक्रेट रेसिपी होती है मेरी सीक्रेट। चाइनीज पुलाव लग रहा है मुझे, चाइनीज है। चलें जी, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चावल ये खा के फिर बताते हैं कैसे बनाएं।